सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम देवघर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। जी हाँ गाइस, आज हमारे जाने का दिन आ चुका है देवघर से टुवर्ड्स मेघालय। अपन भी रेडी और अपनी गाड़ी भी रेडी होकर आ चुकी है, बिल्कुल फ्रेश फिट एंड फाइन। और आज का हमारा प्रोग्राम है कि मिनिमम सिलीगुड़ी हमें कवर करना ही करना है और कोशिश करेंगे उससे आगे भी जाएं। तो अभी मॉर्निंग का 6 AM हो रहा है, हमें थोड़ा जल्दी निकलना था, सुबह 5 बजे, थोड़ा सा लेट है, चलेगा कोई नहीं। मैं होटल आई टाउन ई में रुका हुआ हूँ और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। काफी अच्छा होटल है और मुझे ये रूम पड़ा था 1900 पर डे के हिसाब से, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं था। तो मैं थोड़ा सा रूम टूर करा देता हूँ आपको। रूम नंबर 002 में मैं रुका हुआ था, तो थोड़ा सा अनटाइडी हो रखा है क्योंकि चेकआउट का टाइम है बॉस, तो माइंड मत कीजिएगा। रूम काफी अच्छा है, डिसेंट सा है, ठीक है। वहाँ पे दूर में आप सोफा देख सकते हो, AC लगी हुई है, ये TV हो गया, ठीक है, ये अलमीरा हो गया कपड़े रखने के लिए, ये अपना टी एंड कॉफ़ी के लिए, ये छोटा सा फ्रिज भी दे रखा है इन्होंने, और ये अपने तैयार होने के लिए मिरर है, काफ़ी बड़ा सा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा आ जाते हो मिरर में। और ये आपका बाथरूम हो गया, ठीक है, ये आपके नहाने के लिए हो गया, ये फ्रेश होने के लिए हो गया, और यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है, बड़ा सा है, बाथरूम है, अकेले भी आ सकते हो, अपने फैमिली के साथ भी आ सकते हो, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। सो गाइज, हमने स्टार्ट कर दिया है अपनी जर्नी को और ये आप आगे देख सकते हो होटल आई टाउन ई, इसी में हम रुके हुए थे और अपन यहाँ से निकल रहे हैं। तो इसी बात पे बोलो बजरंग बली की जय, श्री रामचंद्र की जय। सो गाइज, भागलपुर यहाँ से दिखा रहा है 109 किलोमीटर, तो हमें इसी रूट पे सीधा जाना है हंसदिया होते हुए, और अगर आप राइट साइड में अगर आपको दिख रहा होगा तो वो जाता है दुमका पाकुड़, और वहां से भी हम लोग जा सकते हैं सिलीगुड़ी, तो वो फिर वेस्ट बंगाल होके मालदा होते हुए निकलता है। तो अपन तो जाएंगे इधर से जो रूट जानते हैं, पहले भी जा चुके हैं हम लोग दार्जिलिंग वाले टाइम में भी और सिक्किम वाले टाइम में भी, तो अपन तो यही चूज करने वाले हैं। सो गाइज, वी आर एंटरिंग बिहार। बिहार घुस चुके हैं बॉस, और बिहार घुसते ही हमारी स्वागत होती है इतने प्यारे से रोड से। रोड में थोड़े गड्ढे हैं, ऐसे माइंड मत करना प्लीज, मजाक कर रहा हूँ, थोड़ा सा बॉर्डर के पास में हमेशा रोड खराब होता है, आगे जाके रोड ठीक ही हो जाता है क्योंकि मैं इस रोड में गया हुआ हूँ पहले भी। बिहार में स्टार्टिंग में जब एंटर करते हो आप झारखंड से, तो थोड़ा सा रोड नैरो रहता है और रोड थोड़ा पैचेस भी हैं, बहुत रफ पैचेस आते हैं, इसके चलते ना गाड़ी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लगने लगता है, ये तो एक प्रॉब्लम है। सो गाइज, हमने अभी गाड़ी रोक रखी है बांका से भागलपुर के बीच में, क्योंकि रोड में ना बॉस इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, बहुत बड़े बड़े पॉटहोल्स हैं, बारिश का लगता है यहाँ की गवर्नमेंट ने रोड बनाया ही नहीं है, तो गाड़ी चलाने बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। तो हमने सोचा यहाँ पे खेत दिखा हमें, तो खेत में हम लोग ने गाड़ी खड़ी कर ली और थोड़ा सुस्ता रहे, थोड़ा स्ट्रेच कर ले क्योंकि स्ट्रेच करना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आगे जाके ऐसा रोड ना मिले मुझे, नहीं तो गाड़ी चलाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है, अपने को चाहिए थोड़ा एक्सप्रेस वे। सो गाइज, आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये जस्ट पीछे में देखो, ये धान है, धान लगा हुआ है, ये चावल की खेती हो रही है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मेरे चारों तरफ है, काफ़ी बड़ा सा है एरिया, पूरा देख सकते हो, पूरे एरिया में मज़ा तो आ रहा है, थोड़ा सुस्ता भी लेते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपने आगे का सफ़र, पहले भागलपुर पहुंचते हैं। सो गाइज, वी आर क्रॉसिंग विक्रमशिला सेतु, और इस साल हमने 5वीं बार क्रॉस कर रही है विक्रमशिला सेतु। ऐसा कर दिया है हमने रांची भागलपुर को कि एकदम बिल्कुल लोकल हो, मुझे तो यही फील हो रहा है। मुझे थोड़ा सा लग रहा है ना कि ये अब विक्रमशिला सेतु ना मेंटेनेंस खोज रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बबलिंग हो रहा है गाड़ी में, तो रोड तो काम खोज रहा है यहाँ पे, क्योंकि तो ट्रैफिक का तो बहुत ज़्यादा लोड रहता है यहाँ पे। मैंने इस विक्रमशिला सेतु के बारे में बहुत कुछ डिटेल्स में बताया था मेरे पुराने व्लॉग्स में, अगर आप देख सकते हो उसमें जाके, मेरे सिक्किम वाले व्लॉग में, मेरे दार्जिलिंग वाले व्लॉग में, काफ़ी ज़्यादा गंगा नदी में पानी भरा हुआ है अभी इस वक्त। जब पिछले बार अपन आए थे इतना ज़्यादा पानी नहीं था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा पानी, क्योंकि जस्ट अभी रेनी सीजन ख़त्म हुआ है यहाँ पे। गाइज, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दे रहा हूँ, जब आप भागलपुर से निकलते हो और विक्रमशिला सेतु क्रॉस कर लेते हो, तो मुझे लगता है 10-12 किलोमीटर चलने के बाद आपको नौगछा की तरफ होना पड़ता है, तो आप देख लो ये टर्न पड़ता है आगे, आप देख सकते हो ये राइट में, हमें राइट होके जाना है। यू शुड बी वेरी केयरफुल,
आप सीधा आपको नहीं जाके राइट घूमना है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो नौगछिया होके आप निकल जाएंगे, फिर आएगा आपका पूर्णिया और ये सब आता है। तो गाइस अब आगे देख रहे हो ना, फ्लड सिचुएशन है बिहार में। तो जस्ट अभी हम लोग ने अभी नौगछिया की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने देखा कि यहाँ पे पूरा फ्लड हो रखा है, तो बहुत सारे गाँव भी डूबे हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे गाँव डूबे हुए हैं। और ये देखो भैंसे को, जितने भैंस हैं सारे बेचारे अंदर पानी में ही है। तो फ्लड सिचुएशन है बॉस बिहार में अभी भी, वो जो नेपाल से पानी छूटा है ना, मुझे लगता है उसके चलते हुआ है। गाइस ये देखो कितना फ्लड आ रखा है बिहार में, ये पूरे सारे जितने झोपड़ी है ना सारे डूब रखे हैं। और बॉस जानते हो ये नेपाल से जो पानी छोड़ा गया है ना, तो ये कोसी नदी का पानी है जो यहाँ पे बिहार में फ्लड सिचुएशन क्रिएट किया हुआ है। तो बॉस खतरनाक सिचुएशन है यार, पूरा रोड में, मतलब रोड तो ठीक है लेकिन पूरा आसपास में तो पूरा इलाका ही पानी में जलमग्न है। लोग को बहुत दिक्कत हो रहा होगा यहाँ बिहार में। वो आगे साइड भी देखो आप, ये घर, ये भी घर देखो, ये भी घर देखो, पूरा जलमग्न है ये। सो फ्रेंड्स सुबह का 10 बज चुका है और हम अभी कुर्शेला पार किए हैं, तो हमारा नाश्ता करने का बिल्कुल मन नहीं करता क्योंकि भूख नहीं लग रहा था। कल रात को हम लोगों ने बहुत हैवी डिनर लिया था लेट नाइट, तो सोचा कि बनाना मिल रहा था रोड पे तो काफ़ी फ्रेश लग रहा था, तो अपने गाड़ी में बैठ के हम केला खा रहे हैं और गाड़ी चला रहे हैं। आप ये सब भी कर सकते हो कि अगर आपको भूख नहीं है, नाश्ता करने का मन नहीं है, तो थोड़ा फ्रूट्स खा के भी आगे चल लो, और जब भूख लगे तो ब्रंच टाइप्स कर लो 12-1 के बीच में, वो भी सही रहता है। तो अभी तो मूड है गाड़ी खींचने का, गाड़ी खींचते हैं अभी और सिलीगुड़ी पहुंचते हैं। और हाँ केला बहुत मीठा है, मज़ा आ रहा है केला खा के, आप भी खाओ। सो गाइस हम लोग पूर्णिया भी क्रॉस कर गए हैं और अभी 0 माइल पहुंचे हुए हैं। और आपको अपने मेरे पुराने वीडियोस में देखा होगा, आप ये गोल चक्कर देख रहे हो ना, ये सर्कल जो है ये 0 माइल का सर्कल है, ठीक है बॉस। और यहाँ से हमें राइट ले लेना है टुवर्ड्स सिलीगुड़ी, तो यहाँ से सिलीगुड़ी पड़ेगा 172 किलोमीटर टू बी वेरी एग्जैक्ट, तो 172 किलोमीटर लगता है कि हम लोग 3-4 घंटे में तो कवर कर ही लेंगे अगर रोड में कोई जाम वाम ना हुआ तो। ये स्ट्रेट रोड अररिया निकल जाता है, मुजफ्फरपुर भी निकल जाएगा इधर से और हमें इधर से जाना है। टुवर्ड्स किशनगंज एंड किशनगंज 63। सो फाइनली गाइज हम किशनगंज भी क्रॉस कर रहे हैं, अभी हम किशनगंज फ्लाईओवर के ऊपर है। आप देखो काफी अच्छा फ्लाईओवर बन रखा है किशनगंज के ऊपर, तो इससे काफी आराम हो जाता है कि आपको बीच के शहर की ट्रैफिक से आप बच जाते हो जो फ्लाईओवर के ऊपर से निकल जाते हो तो। और इसी की तरह हम अपना मेघालय भी पहुंच जाएंगे, और इस बात की मुझे बहुत अंदर से खुशी हो रही है कि अपने गाड़ी की एक छोटी सी जो एक्सीडेंट हुई थी उसके बाद भी हम बावजूद अपना ट्रिप पूरा कर रहे हैं। तो ट्रिप नहीं रुकना चाहिए बॉस, क्यों क्या कहते हो? ट्रिप नहीं रुकेगा, पहुँचेंगे अपन मेघालय आप लोगों के साथ। हम लोग अब बागडोगरा एंड सिलीगुड़ी को बाईपास कर दिया और हम लोग अब न्यू जलपाईगुड़ी के रास्ते में निकल चुके हैं, यानी कि इस रोड में जाएंगे सीधा तो अपन को पड़ेगा गुवाहाटी। और ये देखो आप पीछे मेरे टी एस्टेट शुरू हो चुका है, तो टी एस्टेट का मज़ा ही कुछ और है, इसको देखने में बड़ा सूदिंग फील होता है। तो मैंने इसे सोचा गाड़ी रोकूँ और थोड़ा फ़ोटो शोटो खिंचवा लूँ, और मैं आपको दिखा देता हूँ यही रोड जो है, ये जो रोड है ये स्ट्रेट जो है ना ये गुवाहाटी की तरफ जाएगा, ठीक है बॉस। और ये हम पीछे से आ रहे हैं, आप हम इधर पीछे से आ रहे हैं, और ये टी स्ट्रेट देखो क्या खूबसूरत लग रहा है। सो गाइस वी आर क्रॉसिंग महानंदा बैराज, ये महानंदा बैराज है।
सॉरी गाइस, ये वीडियो फुटेज म्यूट हो गया था, तो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता था कि जब मैं सिलीगुड़ी से टुवर्ड्स गुवाहाटी जा रहा था तो मुझे ये साइन बोर्ड दिखा जिसमें लिखा था बांग्लादेश जस्ट 2 किलोमीटर्स, और ये जस्ट सिलीगुड़ी से थोड़ा ही आगे बढ़ने पे महानंदा बराज क्रॉस करने के बाद ये साइन बोर्ड दिखा। तो इसको देख के मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गया था और मैंने सोचा कि ये फुटेज मैं आपसे शेयर करूं और मैं आपको ही बताऊं कि बांग्लादेश कितने पास में है हमसे। अगर हम किशनगंज से अगर हम बिल्कुल बाइसेक्ट करते हैं ना, तो हम लोग बांग्लादेश को क्रॉस करते हुए डायरेक्ट गुवाहाटी की तरफ जा सकते थे, बट किशनगंज से वो ऊपर से होके जाना पड़ता है टुवर्ड्स गुवाहाटी सिलीगुड़ी होते हुए। रिलायंस जियो के पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं और अपना सेकंड टाइम टैंक फुल होने वाला है, और फर्स्ट टाइम हमने हज़ारीबाग के आसपास में कराया था, अभी हम न्यू जलपाईगुड़ी के आसपास हैं। और आप पीछे डीजल का रेट देख ही सकते हो, यहाँ पे 91.48 रुपीज़ है ना। और अब यहाँ से जो टैंक फुल होगा ना बॉस, ये मोर देन सफिशियंट होगा हमें आराम से गुवाहाटी एंड शिलोंग जाने के लिए। तो फिर चलते हैं, टैंक फुल कराते हैं और फिर सीधे गुवाहाटी की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। आप देख रहे हो ना आगे, ये भूटान की गाड़ी जा रही है बॉस, आगे आप जस्ट देखो भूटान की गाड़ी जा रही है, ठीक है। तो बॉस भूटान भी बहुत पास में है यहाँ पे, क्योंकि अभी आपको मैंने दिखाया है ना वीडियो में कि बांग्लादेश बिल्कुल 2 किलोमीटर पे, तो आई थिंक कि भूटान भी बहुत क्लोज है यहाँ से। बड़ा एक्साइटमेंट लगता है यार ये सब देख के, मन करता है कि सारा चीज़ कवर कर ले, सारा चीज़ टच कर ले और आपको दिखाएं। तो गाइस हम ढाबे पे रुके थे और ढाबे पे हमने अपना लंच ले लिया, क्योंकि सुबह नाश्ता तो कुछ किया नहीं था, तो बहुत तेज़ का भूख लगा हुआ था बस। तो मैंने अपने खाने का वीडियो ही नहीं बनाया जो मैंने खाया था, तो मैंने मेनू में मंगाया था शाही पनीर एंड दाल तड़का एंड साथ में तंदूरी रोटी। खाना बहुत टेस्टी था। मैं आपको इसका लोकेशन दिखा देता हूँ, ये कहाँ पे है आप देख सकते हो। इस होटल का नाम है कल्पतरू लाइन होटल, ये देख रहे हो ना, ये सीतागुरी जलपाईगुरी रास्ते में है ना, सीतागुरी लगता है, मुझे लगता है यहाँ का एरिया है, तो कल्पतरू लाइन होटल के नाम से। और खाना वाकई में बहुत टेस्टी था। जो अंकल है, ओनर है, वो गुवाहाटी के रहने वाले हैं, तो उन्होंने मुझे गुवाहाटी के बारे में बताया भी, ये रोड गुवाहाटी जाती है और कैसा है यहाँ पे रास्ता आगे का, सारा कुछ उन्होंने बताया मुझे। और उन्होंने काफ़ी अच्छा खातिरदारी किया हमारा, तो मैं उनको कहूँगा थैंक यू सो मच अंकल। हम जिस हाईवे पे चल रहे हैं ना, वो ये NH 27 है, ठीक है। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, ये NH 27 जो हाईवे है अपना नेशनल हाईवे, ये सिलीगुड़ी से गुवाहाटी की तरफ जा रहा है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट हाईवे है क्योंकि ये पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कनेक्ट कर रहा है ये हाईवे। क्योंकि आप इसके नीचे की तरफ देखोगे, अगर मैप में देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा नीचे बांग्लादेश है और ऊपर में भूटान हो गया है और नेपाल भी हो जाता है। तो ये पतला सा है, आप कह सकते हो चिकन नेक है, और ये चिकन नेक में हम लोग चल रहे हैं, और ये सीधे हमें गुवाहाटी और शिलोंग ले जाएगा। तो दुर्गा पूजा के पंडाल में आपका स्वागत है, हैप्पी दुर्गा पूजा आप सभी को। सो गाइज, हमने अभी टी ब्रेक लिया है, तो कूच विहार से आगे आके हम रुके हुए हैं, तूफानगंज करके एक जगह है, और यहाँ से दिखा रहा है गुवाहाटी 277 किलोमीटर। तो अभी थोड़ी सी नींद आ रही थी मुझे, थकावट हो रहा था, तो मैंने गाड़ी रोक रखा है और थोड़ा चाय पी रहे हैं। देखते हैं अगर सब कुछ ठीक रहा तो आज ही गुवाहाटी जाएंगे, और नहीं तो कम से कम 100 किलोमीटर और चलाएं और फिर आगे जाके रुकते हैं कहीं पे, स्टे करेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो 277 का डिस्टेंस जो कवर करना है मुझे, वो कम हो जाएगा कल के लिए। तो देखते हैं, लेट्स सी क्या हो।
सो गाइस, अभी रात का 10:30 बज रहा है और हम अभी डिनर के लिए रुके हुए हैं। तो गुवाहाटी से अभी हम लोग 160 किलोमीटर्स पीछे हैं बॉस, तो काफ़ी भूख लग रहा था, तो हमने सोचा पहले कुछ खा लिया जाए और फिर देखते हैं क्या करना है, कि गुवाहाटी तक जाए या बीच में कोई होटल मिल जाए तो हम लोग वहाँ पर रुक जाएँ, स्टे कर जाएँ। ऐसे रास्ता तो बुरा नहीं है, रास्ता बिल्कुल ठीक है, और क्योंकि दुर्गा पूजा का फेस्टिवल चल रहा है तो रोड में थोड़ा सा भीड़ भी है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्टेबली हम लोग चल रहे हैं। और अभी होटल हरियाली में रुके हुए हैं, काफ़ी अच्छा ये होटल है, रेस्टोरेंट है, बिल्कुल हाईवे पे ही है। तो हम लोग यहाँ पे रुके हैं, अभी खाना के लिए ऑर्डर किया है चिकन करी एंड साथ में एग करी और साथ में तवा रोटी। तो जब खाना आता है तो मैं आपको खाना दिखाता हूँ। खाना बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल घर जैसा चिकन करी है, कम मसाले में, बिल्कुल ऑथेंटिक ग्रेवी चिकन करी का। असम में भी खाना बहुत बढ़िया है। बॉस, यही है होटल हरियाली जहाँ पे अभी हमने डिनर लिया, और काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है और ये रिजॉर्ट में भी डेवलप होने वाला है, तो आप आके यहाँ पे अपना खाना खा सकते हो विद फैमिली। तो नाइस प्रॉपर्टी, और हमें तो काफ़ी अच्छा लगा, और हम यहाँ से सीधे अब गुवाहाटी की तरफ निकलेंगे। तो फिर आप भी चलिए हमारे साथ गुवाहाटी की तरफ, ठीक है ना। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, आप देख रहे होगे मैं गाड़ी में लेटा हुआ हूँ। जी हाँ, रात के 1 बजे के आसपास हमें नींद आने लगी, तो हमने गाड़ी रोक लिया पेट्रोल पंप के पास, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, तो वहीं पे गाड़ी खड़ी कर ली और वहीं पे हम सो गए। तो अभी मॉर्निंग का 5 बज रहा है, तो अभी अपन फ्रेश हैं। तो हम लोग गुवाहाटी से 50 किलोमीटर पहले थे, तो अब प्रोग्राम ये है बॉस कि पहले गुवाहाटी जाएंगे और गुवाहाटी से फिर हम लोग शिलोंग की तरफ निकल जाएंगे। सॉरी गाइस, मैंने इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप बोल दिया, बट एचपी का पेट्रोल पंप है। थोड़ी नींद में था मैं उस वक्त, तो मुझे ध्यान नहीं रहा, क्योंकि मुझे गाड़ी लगा के जल्दी से जल्दी सोना था। तो अभी सुबह का 5 बज रहा है और सुबह हो चुका है। यहाँ सुबह बहुत जल्दी होता है क्योंकि हम ईस्ट में आ चुके हैं, और अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, आप देख सकते हो। यहाँ से हम निकलेंगे, 191 किलोमीटर्स का जर्नी है, तो गुवाहाटी होके ही शिलोंग जाना पड़ता है। तो पहले अपन गुवाहाटी पहुंचेंगे और फिर वहां से शिलोंग निकलेंगे। तो चलो गाइस हमारे साथ शिलोंग की तरफ। तो टोटल 2200 का डीजल आया बस, और 24.41 लीटर आया, और डीजल का रेट है यहाँ पे 90.13 रुपीज पर लीटर। तो फिर चलो शुरू करते हैं अपनी एपिक जर्नी को, फ्रॉम रांची टू शिलोंग 1200 किलोमीटर्स की। तो इसी बात पे बोलते हैं सिया रामचंद्र की जय, बजरंगबली की जय। सो फाइनली गाइस, हम लोग गुवाहाटी पहुंच चुके हैं, और गुवाहाटी से अब हम लोग शिलोंग के रास्ते निकल चुके हैं। तो आप आगे देख सकते हो कि ये शिलोंग ले जाता है ये रास्ता। एग्जैक्ट लोकेशन तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी यहाँ पे आगे दिखा रहा है हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड ITBP का साइन बोर्ड लगा हुआ है। तो अपने को स्ट्रेट ही जाना है यहाँ से, और कुछ 91 किलोमीटर है यहाँ से आपका शिलोंग। तो गाइज, हम लोग जिस लोकेशन पे अभी खड़े हैं ना, ये असम है यहाँ पे, जहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी है, और वो जो ट्रक जा रहा है आप देखो, ठीक है, वो जो गाड़ी जा रही है क्रेटा जो राइट टर्न ली, वो है मेघालय। तो बस इस फ्लाईओवर के उस साइड में मेघालय है, और फ्लाईओवर के इस साइड में असम है। तो अपन अब चले पहाड़ों की तरफ शिलोंग में, ठीक है बस, आगे मिलते हैं आपसे।
फाइनली गाइस हम लोग शिलांग पहुंच चुके हैं और अपनी गाड़ी भी धुल के रेडी हो चुकी है, बिल्कुल चमचमा रही है धूप में और घूमने के लिए रेडी है। और मैं भी नहा चुका हूं और मैं भी तैयार हूं, लेकिन अभी नहीं, आपसे मिलता हूं मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो आप देखते रहे रेडियो ड्राइव, सो स्टे ट्यून्ड गाइस, सी यू।